हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम गोलगप्पे से दही बड़े बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करीब 150 ग्राम मूंग दाल लेंगे, जिसे हमने पहले ही 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। मूंग दाल पिस चुकी है। मूंग दाल की पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा पतला पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। हमने तेल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक गोलगप्पे को लेंगे और उसे मूंग दाल के पेस्ट में अच्छे से कोट करके तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे गोलगप्पे को भी फ्राई कर लेंगे। गोलगप्पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक बाउल में गुनगुना पानी लेंगे। हमने मूंग दाल के पेस्ट में नमक नहीं डाला था, इसलिए अब हम गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम गोलगप्पे के बड़ों को पानी में डिप करेंगे। मिनट के लिए रख देंगे। हम इन्हें पानी में इसलिए रख रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुकी हैं। देखिए, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गोलगप्पे के बड़ों को हल्का सा निचोड़कर उनका पानी निकाल लेंगे और उन्हें दही में डिप कर देंगे। दही में डिप करके प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से बाकी बड़ों को भी दही में डिप करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको दही ज्यादा पसंद हो तो आप ऊपर से दही डाल सकते हैं। अब हम ऊपर से सॉल्ट डालेंगे। अब ऊपर से हरी चटनी डालेंगे। अब ऊपर से हल्का सा नमक छिड़केंगे। अब थोड़े स्वाद के लिए जीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऊपर से छिड़केंगे।
गोलगप्पे के दही बड़े तैयार हैं। अक्सर आपने गोलगप्पे तो खाए होंगे, लेकिन गोलगप्पे का ये नया टेस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।